स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, जिसका चल रहा है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज है 40वां, विश्व का प्राकृतिक प्रदेश, जिसका 1 से लेकर 50 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इससे आगे कंप्लीट करेंगे 102 नंबर प्रश्न तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 51वें प्रश्न से। अपना पहला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? ये भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश आंसर है यहाँ पे बी। कोपेन की सीएस जलवायु मिलती है, कोपेन की सीएस जलवायु किससे मिलती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली, दक्षिण अमेरिका में एक देश है चिली, ये किसका उदाहरण है? मीन्स कौन से प्रदेश में ये आता है? टोटल पढ़े हैं कि विश्व में 8 प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये आता है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। चिली से एक इम्पोर्टेंट टर्म ये आता है कि अगर आपको अटलांटिक कॉन्टिनेंट पे जाना होगा तो आपको चिली सबसे नियरेस्ट कंट्री पड़ता है, ना कि ऑस्ट्रेलिया, राइट। भूमध्य सागरीय, अच्छा, चिली में एक बहुत बड़ा माउंटेन है, उसका नाम बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माउंटेन है, वो चिली में ही है, तो बताना है आपको। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है, कौन से देश में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाया जाता है? ये होगा आपका मेडागास्कर, मेडागास्कर, जबकि कैलिफोर्निया, अल्जीरिया और साइप्रस में भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो यहाँ भी आपका होगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, जबकि केपटाउन, रोम, लॉस एंजल्स में क्या होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती, फिर से रिपीटेड प्रश्न। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि केपटाउन में तो पाया ही जाता है, तो कहाँ पे नहीं पाया जाता है? बोलीविया में नहीं पाया जाता, जबकि पार्थ कैलिफोर्निया में ये पाया जाता है। सैन फ्रांसिस्को, सेंटियागो, केपटाउन तथा पार्थ, निम्नलिखित में से किसकी समानता है? मीन्स ये सब कहाँ पाया जाता है? तो ये एक आसान सा प्रश्न कहेंगे, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, क्योंकि ये सारे क्या है, यूएसए के प्रदेश है, और यू क्या है, एक भूमध्य सागरीय प्रदेश। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं के फसल के लिए जाना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। आंसर है सी। जैतून, ओक और कॉर्क के वृक्ष के लिए निम्नलिखित क्षेत्र संबंधित है? जैतून, ओक और कॉर्क का वृक्ष मेनली पाया जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। आंसर यहाँ भी सी ही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? मीन्स भूमध्य सागरीय प्रदेश में किसकी खेती अधिक मात्रा में होती है? ये होता है आपका नींबू कुल के फल का, नींबू कुल के फल का। महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश के मध्य। भूमध्य सागरीय जलवायु निम्न में से किस फसल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भूमध्य सागरीय में अभी हम पढ़े थे फलों का सबसे अधिक कहाँ पे होता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो आंसर अपना भी क्या होगा, सी। भूमध्य सागरीय प्रदेश को कहा जाता है, इसमें से भूमध्य सागरीय प्रदेश को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो उद्यमशील प्रदेश, उद्योग यहाँ पे अधिक होगा। आंसर है यहाँ पे बी। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है? प्रयास का प्रदेश होता है पश्चिमी यूरोप प्रदेश को, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को प्रयास का प्रदेश कहा जाता है। चैपरल नामक झाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? कैलिफोर्निया के भूमध्य सागरीय प्रदेश में चैपरल नामक पहाड़ियाँ पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की झाड़ियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मैक्विस। अंगूर से शराब बनाने का उद्योग किस प्राकृतिक प्रदेश में महत्वपूर्ण है? अभी हम पढ़े थे अंगूर की खेती जहाँ सबसे अधिक होगी वहीं क्या होगा, इसका शराब भी बनाया जाएगा, भूमध्य सागरीय प्रदेश। आंसर है यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से किस मीन्स प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है सवाना प्रदेश को, सवाना प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा सवाना कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों के प्रदेश, सवाना प्रदेश। संसार का सबसे अधिक भेड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? सबसे अधिक भेड़ की अगर बात हो तो कहाँ हो जाएगा, आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया टिक कर सकते हो, पर ये कौन से प्रदेश की बात की जा रही है? तो ये आपका प्रेयरी, प्रेयरी प्रदेश। प्रेयरी भी एक घास का मैदान है।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का ब्रेड बिस्किट मींस रोटी की डलिया के नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। शीतोष्ण घास के मैदान को विश्व का ब्रेड बास्केट या रोटी का डलिया कहा जाता है। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? सबसे विकसित प्राकृतिक प्रदेश पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश रीजन ऑफ इफोर्ट कहा जाता है? ये अभी पढ़े थे हम। पश्चिमी यूरोप प्रदेश आंसर है अपना डी। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान मीन सामान्य तापमान कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन असत्य है, जबकि सही क्या सब है। यह मुख्यतः महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर स्थित है। विश्व का सबसे अधिक तापमान इसी प्रदेश में मिलता है। इस प्रदेश में अस्थाई मानव वसाव केवल मरुदानों ओएसिस में देखने को मिलता है। ओएसिस क्या होता है कि जैसे पूरा मरुस्थल है, बीच में अगर कहीं पे एक छोटा सा टापू है और उसमें क्या है, थोड़ा बहुत पेड़ पौधा उग गया, उसे हम क्या कहते हैं, ओएसिस। मतलब मरुस्थल का ऐसा पार्ट जहाँ पे पेड़ पौधे उगे हो, उसको हम कहेंगे ओएसिस। तो वहाँ पे ही मानव का वसाव होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका सी था जो गलत था। बुशमैन, बुद्धू आदि जनजातियाँ किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका उष्ण मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, जो कहाँ पे है, अफ्रीका में है। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कहाँ स्थित है? सबसे गर्म प्रदेश है सहारा तुल्य प्रदेश, मीन सहारा मरुस्थल की बात की जा रही है। मृत घाटी या जिसे डेड सी कहा जाता है, मीन सबसे अधिक लवणता यहीं होता है, ये स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? कैलिफोर्निया में। आंसर यहाँ पे क्या है? सी। अल अजीजिया स्थित है सहारा मरुस्थल में। अल अजीजिया सहारा प्रदेश में धूल दानव सहारा प्रदेश में किसे कहा जाता है? तो प्रातः काल में जो तीव्र आंधी चलती है जिसके कारण बहुत क्षति होता है, मीन्स बहुत सारे जानमाल की, मीन्स लोग भी मर जाते हैं उससे, क्योंकि धूल पूरा पहाड़ की तरह बन जाता है, तो उसे कहा जाता है धूल दानव। ये होता है सहारा प्रदेश में ही। आंसर यहाँ पे था ए। उष्ण मरुस्थल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ भी आपका क्या है, एक कथन गलत है, जबकि तीन कथन क्या है, सही है। तो दैनिक तापांतर अधिक होता है, ये गलत है, जबकि इस विस्तार महाद्वीप के पश्चिमी भाग में 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाया जाता है। इसे सतत कठिनाइयों का प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश में जीरोफाइट प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं। जीरोफाइट हमने कई बार पढ़ा है कि पानी के बिना, मीन्स बहुत कम पानी में अगर हम कोई पौधा उगाएंगे, उसे कहा जाता है जीरोफाइट, राइट। तो ये तीनों यहाँ पे क्या था, सही था, हमको गलत ढूंढना था, तो आंसर क्या है यहाँ पे, बी। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? तो आसान सा प्रश्न है ये, कहाँ पे, मरुस्थल वाले प्रदेश में, तो उष्ण शीत मरुस्थल प्रदेश में। आंसर यहाँ पे क्या होगा अपना, डी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो हमने तो पढ़ा है कि किस कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका में है। यहाँ पे पूछा रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है, ये क्या हो जाएगा अपना, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है टेंगा प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। शंकुधारी या कोनधारी वन किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं मेरे लिए पहाड़ी इलाका में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेंगा प्रदेश में शंकुधारी और कोनधारी वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टेंगा प्रदेश के संबंध में सत्य है, मीन्स यहाँ पे सत्य को आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा है? तो यह प्रदेश यूरेशिया और उत्तर अमेरिका में 45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, सही है। इस प्रदेश की वनस्पति कोनधारी और शंकुधारी वन है, यह भी पढ़े थे, ये भी सही है। लकड़ी काटना इस प्रदेश का मुख्य व्यवसाय है, ये भी सही है। तो आप आंसर क्या होगा अपना, डी, उपरोक्त सभी सही है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? कनाडा उत्तरी अमेरिका में, पता होगा, जो सबसे अधिक मीन्स क्या बोलते हैं उसको, टापू या आइलैंड उसी कंट्री में है। तो ये कौन से प्रदेश में आएगा, ये आता है आपका टेंगा प्रदेश में। आंसर है यहाँ पे सी। कनाडा का कैपिटल क्या हो जाएगा, ओटावा। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक
वार्षिक तापांतर पाया जाता है, मीन्स ताप का डिफरेंस सबसे कम भी हो और सबसे अधिक भी हो, ये पाया जाता है आपका टेंगा प्रदेश में। टेंगा प्रदेश में, टेंगा प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मीन्स टेंगा प्रदेश के बारे में इसमें से कौन कौन सा कथन सही है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एक और दो कथन क्या है गलत है, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। इस प्रदेश में वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली और लकड़ियाँ मुलायम होती है, सही है। और टेंगा वनस्पति को बोरियल वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे दो तीन तीन और चार सही था, तो आंसर यहाँ पे क्या था, डी। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेश का विस्तार पाया जाता है, टुंड्रा प्रदेश का विस्तार कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी साइबेरिया। अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और उत्तरी साइबेरिया में टुंड्रा प्रदेश पाया जाता है, आंसर यहाँ पे ए। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है, अधिकतर काई या फफूंदी पाई जाती है, तो टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी को कहा जाता है, किस प्राकृतिक प्रदेश में एस्किमो नामक मीन्स प्रवासी पाए जाते हैं, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो गर्मी के टाइम में सूर्य कब अस्त नहीं होगा, नॉर्थ पोल के आसपास जो प्रदेश होगा उसमें, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है, मीन्स कोल्ड डिजर्ट, जहाँ पे ठंडी के कारण कोई प्लांट नहीं उगता है, वो किसको कहा जाएगा, टुंड्रा प्रदेश को, टुंड्रा प्रदेश। बी, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है, मीन सालों भर उस पर क्या होता है, बर्फ ढका रहता है, तो अभी पढ़ रहे थे टुंड्रा प्रदेश, क्योंकि इसको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है, पेंगुइन होता है टुंड्रा प्रदेश में, और पेंगुइन जो खाना खाता है उसको क्रे कहा जाता है, क्रे नामक जीवाणु होता है, एक छोटा छोटा कीड़ा होता है, जीवाणु नहीं कह सकते हैं उसको, उसको अपने भोजन के रूप में लेता है। उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया के अंटार्कटिक वृत्त क्षेत्र में पड़ने वाले वृक्षहीन मैदान को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टुंड्रा, टुंड्रा, आंसर है यहाँ पे डी। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो बस बी कथन सही है, विषुवत प्रदेश जो होता है अपराहन में गरज के साथ वर्षा होती है, विषुवत प्रदेश में। 99 नंबर प्रश्न, यहाँ आपको सुमेलित करना, एक तरफ प्रदेश दिया गया और उसको किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो आपको मिलाना है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश होता है उद्यमशील प्रदेश, उद्यमशील प्रदेश। मानसूनी प्रदेश होता है वृद्धिशील प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश होता है अवरुद्ध विकास का प्रदेश, और विषुवत प्रदेशीय छीन कारक प्रदेश, आंसर यहाँ पे था अपना ए। फिर है सुमेलित करना है, फिर से वही प्रदेश दिया गया और वो किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको यहाँ पे सुमेलित करना है, तो विषुवतीय प्रदेश को कहा जाता है आलस का प्रदेश, सवाना प्रदेश बड़े शिकारों का प्रदेश, मानसूनी प्रदेश विकास का प्रदेश, और पश्चिमी यूरोप प्रयासों का प्रदेश, आंसर क्या है, ए। अभी ये पूरा हम पढ़े ही थे पहले। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको सही क्रम में जलवायु प्रदेशों को सही क्रम में सजाना है, जायरे से नीदरलैंड के तरफ, ठीक ना, जायरे कंट्री और नीदरलैंड भी एक कंट्री है, उसको सही अकॉर्डिंग में आपको सजाना है। तो पहले आता है भूमध्य सागरीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु, और फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, आंसर यहाँ पे है ए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मीन्स यहाँ पे तीन सही है और एक क्या है गलत है, तो एबोनी गलत है टेंगा प्रदेश, जबकि महागनी मीन्स मानसूनी प्रदेश है, जैतून भूमध्य सागरीय प्रदेश है, और रबर विषुवतीय प्रदेश। तो टोटल आपके 102 प्रश्न इस एक्सरसाइज में थे, उम्मीद करते हैं यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला होगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका 41वां विश्व की कृषि, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक जय हिंद।